मध्य प्रदेश में भारी बारिश कहर बरपा रही है। हाल ये हो गया है कि सागर नाम वाले शहर में, जिसका नाम ही सागर है, सड़कों से लेकर गांव तक सैलाब नजर आ रहा है। समुंदर बन रही है सड़कें, गांव के लोग परेशान हैं। और तो और, चाहे आप सड़क देख लीजिए, रेलवे ट्रैक देख लीजिए, यहां तो रेलवे ट्रैक पर ऐसा मलबा गिरा कि रेल चलना ही बंद हो गई कुछ समय के लिए। रेलवे ट्रैक पर समय पर पहुंच गई टीम और मलबे को हटाया गया, ट्रैफिक को रेलवे के रोक दिया गया। लेकिन सागर में जो बारिश हो रही है, वो पूरे बुंदेलखंड में सबसे ज्यादा बारिश सागर में हो रही है। हाल ये है कि सागर का मशहूर तालाब जो है, उसने कई सालों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। पानी ओवरफ्लो है सागर में और जबरदस्त बारिश हो रही है। यही वजह है कि गांव में एसडीआरएफ टीम को रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाना पड़ रहा है। एक घर में पहुंची रेस्क्यू ऑपरेशन टीम ने अपनी जाबाजी दिखाई, महिला को सुरक्षित घर से बाहर निकाला। सोचिए आपके पानी ये है कि अगर दो मंजिला घर भी है तो वहां ऊपर तक पानी भरा हुआ, और वहां से महिला को रेस्क्यू करके निकाला गया। हाल सागर के शहर का ही खराब नहीं है, जैसे मैंने बताया, खासतौर से सागर से बीना जाने वाले रास्ते में जो गाँव पड़ रहे हैं, क्योंकि सागर और बीना दोनों जगह भारी बारिश का असर देखा जा रहा है। बीना के अंतर्गत आने वाले कई गाँव में पानी भरा हुआ है, धसान नदी उफान पर है और यही वजह है कि जलमग्न होता हुआ पूरा इलाका नजर आ रहा है। प्रशासन ने भी इंतजाम किए हैं, खासतौर से गांव में जो दिक्कत है वहां रेस्क्यू टीम पहुंच रही है, चाहे वो बोट से यानी नाव के जरिए लोगों को निकाल रही है। कई जगह एसडीआरएफ की टीमों को मकान के अंदर घुसना पड़ रहा है, लोगों को साकुशल बाहर निकालने में वो कामयाब भी हो रहे हैं। यही मध्य प्रदेश में भारी बारिश को बताने के लिए तस्वीरें काफी हैं कि किस कदर हालात बिगड़े भारी बारिश के चलते। पहले राहत की बारिश थी, अब ये भारी बारिश मुसीबत की बारिश बनती जा रही है, खासतौर से सागर में। आप आसमानी तस्वीर भी देखेंगे, आसमान से ली गई यानी ड्रोन कैमरे से ली गई तस्वीर भी आप देखेंगे तो पूरा शहर आपको जलमग्न नजर आएगा। मौसम विभाग ने भी सागर को लेकर अलर्ट जारी किया था, अनुमान लगाया था कि यहाँ भारी बारिश हो सकती है। यही वजह है कि सागर शहर, जिसकी पहचान तालाब लाखा बंजारा झील की वजह से भी है, तो चाहे झील हो, तालाब हो, नदी हो, सब कुछ पानी से लबालब है। प्रशासन ने भी सुरक्षा से के तहत निपटने के इंतजाम किए हैं। सागर से आप तक खबर पहुंचाई शिवा पुरोहित ने, आप देखते रहे एमपी तक।